कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह ने दाखिल किया नामांकन पत्र। नॉमिनेशन के बाद पपरवाटांड फुटबॉल मैदान में आयोजित सभा में जुटे लाखों की संख्या में लोग। आज दिनांक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत पपरवाटांड फुटबॉल मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन कर रहे गौतम सागर राणा, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, भाकपा माले राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य, गांडे विधानसभा प्रत्याशी कल्पना सोरेन, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो, कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह, गांडे विधानसभा प्रभारी राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा एवं अन्य गठबंधन दलों के कई नेता उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं अन्य वक्ताओं ने देश में वर्तमान मोदी सरकार की तानाशाही के विरुद्ध जमकर हल्ला बोलते हुए लोगों से आगामी चुनाव में उक्त सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अपने संबोधन में दीपंकर भट्टाचार्य ने भी मोदी सरकार की तानाशाही और विफलता तथा झूठे वायदे एवं आश्वासनों का जमकर पोल खोला। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह ने अपने ऐतिहासिक संबोधन के दौरान प्रमुख चुनावी मुद्दों और एजेंडों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि यह मजदूरों, बेरोजगारों, पिछड़ों, दलितों और शोषितों का चुनाव है। विनोद सिंह के भाषण के दौरान सभा में उपस्थित लोग लगातार उनके पक्ष में जोशीले नारे लगाते दिखे। पेश है यह रिपोर्ट। अभी कई हमारे सम्मानित साथी अभी आए नहीं हैं और चूंकि सभा का समय भी, इसलिए इनका जवाब बैलेट से देना है साथियों, बैलेट से अपने अपने बूथों पर। और मैंने कई बार कहा है कि मैं आप सबों को सम्मानित, आप सबों को बड़ा नेता मानूंगा, उस समय अपने माथा पर बैठाऊंगा जब आप अपने बूथ पर जिता करके हमारे नेता और हमारे साथी को विनोद बाबू को जिता रहे। कोडरमा में भाजपा को चुनौती देने का काम अभी कोई किया है तो हमारे भाकपा माले ने किया है। और इसी लड़ाई के बल पर आज महागठबंधन के लोगों ने देखा कि देश के अंदर में अभी भारतीय जनता पार्टी, ये सुनने और जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है और वो लहर भी झारखंड में हमें दिखाई दे रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा चुनावी नामांकन सभा में हम लोग जाने की अवसर हमें मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे, जो बदलाव का एक कार्यक्रम चल रहा है या सोच और विचार चल रहा है। निश्चित तौर पर ये विचार कायम रहनी चाहिए। इनसे ये अराजकता का माहौल देश में बन गया। मुट्ठी भर पूंजीपाती को स्टैब्लिश करने के लिए 2 दर्जन भी पूंजीपाति नहीं होंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कराए और झूठ का झूठ बोल के जनता से वोट लेते जा रहा है। उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। हमको याद है 2019 में, 2014 में महंगाई के नाम पर वो आया थे,
गैस सिलेंडर को दिखा दिया था देश को कि हमें बहुत महंगा है। काला धन को लाने के नाम पर हुआ सत्ता में आया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आने का काम किया। सत्ता में आने के बाद सारा जुमला साबित हो गया है, हर चुनाव में एक एक टू इस नारा दे के आते हैं, लेकिन एक भी नारा आज सच साबित नहीं हुआ। इसलिए आज ऐसा परिस्थिति में चुनाव है और ये देश का दिशा और दशा तय करना है। वोट एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हमारा महागठबंधन इस चिलचिलाहट धूप में ऐसी हजारों के संख्या में आज यहां पर 12 बजे दिन पहले से बैठा हुआ है। इसलिए आज उसको हम लोग इस चट्टानी एकता को हम लोग वोट में परिणत करना है, वोट में हम लोग बदलना है कि एक एक परिवार को जिम्मा लेना है। ये तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठा हुआ उसको हर हाल में रुकना है, ये भारत वासियों के लिए सभी समुदाय के लिए। आज हम लोग इस राज हमको याद है 2019 में इस तरह का ही नारा देते हैं वो लोग, लेकिन 2019 में महागठबंधन ने उसको रोकने का काम किया और हमारा गठबंधन सरकारी सरकार में होना हेमंत बाबू के नेतृत्व में, लेकिन हम लोग देश को सारने के लिए जो एजेंसी हम लोग स्वतंत्र एजेंसी हम लोग बनाया उसको हम लोग सम्मान करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी दल का इशारा पर नहीं काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल देश में खड़ा हुआ है। इसीलिए आज उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सत्ता से बाहर करके जेल में पहुंचा दिया। जिनके लिए आज तक देश में कानून नहीं बने, जिनको आज तक देश में वेतन मान नहीं मिला, उन तमाम मजदूरों को इस पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से बहुत बहुत सलाम और उनको क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, हमारे झारखंड के जो मजदूर साथी इस वक्त सऊदी अरब में फंसे हुए हैं वो सभी मजदूर सकुशल वापस आ सके इसकी कामना करते हैं। और इस समय अगर दुनिया के किसी हिस्से की अगर बात करनी हो तो सबसे पहले गाजा पट्टी की बात करेंगे, जिस गाजा पट्टी में पिछले अक्टूबर महीने से लगातार इसराइल की ओर से जो जनसंहार चलाया जा रहा है, करीब करीब 40,000 लोगों की जान वहां चली गई, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने पत्रकार, कितने बुद्धिजीवी, कितने डॉक्टर, कितने पूरे वहां इंसानियत की लगातार हत्या हो रही है। और इस समय मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया के हर कोने में ठीक जैसे वियतनाम युद्ध के दौर में अमेरिका के खिलाफ वियतनाम के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही थी, आज भी फिलिस्तीन की आजादी के लिए दुनिया के हर कोने में अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लाखों के तादाद में नौजवान आज नारा बुलंद कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हुए हम भी फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हैं। और ये जो अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है पूरी दुनिया को इस समय तहस नहस करने पर आमादा है, और हमारे हिंदुस्तान की सरकार भी ऐसी है, उसने पूरी विदेश नीति को बंधक रख दिया है अमेरिका और इसराइल के आगे। तो इस देश के अंदर की सिर्फ बात नहीं है, देश की विदेश नीति को भी आजाद करने की बात है। ये कहते हुए अभी इस चुनाव की जंग में बस थोड़ी सी बात ही आपसे शेयर करेंगे। झारखंड के तमाम गरीब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो परेशान है, ये चुनाव उन उम्मीदों को बढ़ाने के लिए है। जब राज्य सरकार में पूरे बदले की भावना के तहत जब आपने यहाँ से भाजपा की सरकार को विदा किया, तब लगातार कोशिशें कर रही हो, उसके बावजूद अबू आवास हो चाहे सौजन पेंशन हो, इन तमाम योजनाओं को जो चलाने वाले लोग हैं उनको जेल के शिकंजों के अंदर जो है डालने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव उन छात्रों और नौजवानों के उम्मीदों के लिए कि जिस गिरिडीह और कोडरमा के जिलों में तमाम बच्चे
बच्चे आज भी आपने देखा कि बेहतर रिजल्ट क्या हाई स्कूल और इंटर से आए हैं, लेकिन वो जो टॉप आने वाले वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि अब हम हाई स्कूल इंटर से कैसे डिग्री कॉलेजों में जाएं, कैसे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करें। आपने देखा सांसद से मंत्री तक का सफर देखा, लेकिन पूरे 10 साल में उठा करके देख लीजिए 10 बार से ज्यादा सांसद इस कोडरमा से बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक कोई मेडिकल कॉलेज, एक कोई सेंट्रल डिग्री कॉलेज, एक कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं। आज से जो है 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी जो मेडिकल कॉलेज की ईंट रखी गई थी वो डबल इंजन की सरकार में, उसकी एक ईंटें तक जो है नहीं बढ़ी है। ये चुनाव उन सपनों के लिए, ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए, ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए है जो कह रहे हैं गिरिडीह के जिला के आकांक्षाओं का गला घोटते हैं कि आजादी के 75 साल भी जब आपने आकांक्षा जिला कहा तो गिरिडीह जिले को नियम के अनुसार 150 की आबादी तक सारे गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन आज गिरिडीह के 350 से ज्यादा गांव और टोले जो है सड़क से वंचित है। पिछली बार जो है हम लोगों ने सवाल उठाया तो यहाँ की सरकार ने भेजा कि हम एकमुश्त उन 350 गांवों के लिए 40% पैसा दे रहे हैं, केंद्र अपना हिस्सा दे। वहां जवाब देते हैं इनके मंत्री जो है कि भाई गाड़ी छूट गई तो छूट गई, अब हम इन गांवों को नहीं देखने वाले। हम धन्यवाद देते हैं उस समय सरकार को, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब इसी गिरिडीह में मैंने ये सवाल उठाया था उन्होंने घोषणा किया कि वो दे या ना दे हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस गैप को पूरा करेंगे, और उस दिशा में पूरा हो रहा है। ये उन सपनों के लिए, ये चुनाव सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं है। यह चुनाव इसलिए नहीं है कि कोई एक सांसद जाएगा और कोई दिल्ली में बात रखेगा और ये लगेगा। यह चुनाव इसलिए लोग जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन के रूप में भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में है, कि लोग जानते हैं कि जरूरत जरूर 5 साल में एक बार